क्योंकि जितनी हमने सोची थी उससे ज़्यादा ये कंट्रोलिंग करा रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से फिलहाल ड्रोन दिख नहीं रहा है अच्छे से, रिमोट को हम बंद कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हमारे पास है ये ड्रोन और इसे मैंने बाय किया है amazon.in से, और ये ड्रोन है हमारा 6000 रुपये का। आज हम लोग आए हैं थोड़ा ग्राउंड में और आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं आपको दिख रहा है, ये सिंपल सा एक ग्राउंड है। तो यहाँ पर आज हम लोग टेस्ट करेंगे इस ड्रोन की रेंज का कि कितना दूर ये जाएगा, क्योंकि सस्ता ड्रोन है और मैक्सिमम लोग इसे ही परचेस कर रहे हैं। मैंने यूट्यूब से कई बार देख चुका है इस ड्रोन को, तो इसे देखेंगे कितनी दूर जाता है। तो दूर जाने की कई सिचुएशंस हैं कि जैसे ड्रोन अगर हमारा रेंज से बाहर हो जाता है तो किस तरह से बाहर होता है। पहला तो होता है जैसे हम ड्रोन को उड़ा रहे हैं और अचानक से हवा का झोंका आया और ये ड्रोन को फेंक ले जाता है कुछ दूर हमसे, तो रेंज से बाहर चला जाता है। तो इसीलिए ड्रोन इसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है इससे हम इसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरा होता है जैसे हम अपने ड्रोन को आगे की तरफ भेज रहे हैं यहाँ से, ठीक है, आगे की तरफ इसे हम भेज रहे हैं और ड्रोन इतना आगे चला जाता है कि रिमोट से कंट्रोल नहीं होता है। और तीसरा सिचुएशन होता है कि हमारा ये मतलब कि इसका जो एंटीना है इसकी डायरेक्शन अलग हो जाती है या कुछ और, जिससे हमारा ड्रोन हमसे अलग हो जाता है। तो आज चेक करेंगे कि जब हमारा ड्रोन हमसे अलग होता है, यानी कि जब ये रेंज से बाहर जाता है, तो इसके साथ क्या होगा, ये ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा या लैंड होगा या फिर रेंज से बाहर जाने के बाद वापस से हमारे पास आ जाएगा। तो सब कुछ इसमें देखेंगे कि आपको करना है, और अंत में आपको ये भी बताएंगे कि जब आपका ड्रोन रेंज से बाहर चला जाता है तो आप इसे कैसे रिकनेक्ट कर सकें, यानी कि अपने ड्रोन को रिमोट से दोबारा से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहेगा, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देते हैं अपने ड्रोन को और पहले से ऑन करते हैं। और हाँ, अगर आपको ड्रोन उड़ाना नहीं आता है, इस पर भी एक वीडियो हमने बना दी है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। फिलहाल ड्रोन हमारा हो चुका है कनेक्ट और फ्लाई के लिए रेडी है। इसे हम उठाते हैं और आप देख सकते हैं थोड़ा एक इसकी पंखी डैमेज है। ठीक, तो ड्रोन हो चुका है हमारा ओपन। अब चलिए इसे उठाते हैं और ड्रोन ने फ्लाइट भर ली है, आप इसे देख पा रहे होंगे। अब चलिए इसे देखते हैं कहां तक जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए पूरा यहां पर खाली है। तो चलिए देखते हैं कहां तक जाता है। तो थोड़ा इसे हाइट पर रखते हैं और चलिए जाइए आप। अब आप देख सकते हैं ड्रोन हमसे थोड़ा दूर है और मैं यहीं पर खड़ा रहूँगा और नॉर्मली ड्रोन कंट्रोल करूँगा। यहाँ पर थोड़ी हवा चल रही है इसलिए ड्रोन अनस्टेबल हो रहा है। और आप देख सकते हैं ड्रोन वहाँ पर पहुँच चुका है और हाइट इसकी है, सॉरी इसकी लेंथ है, यानी कि हमसे लगभग 30 मीटर दूर है। और अभी मैं ड्रोन को कंट्रोल कर पा रहा हूँ और सामने कहीं कहीं पर पानी भरा हुआ, बरसात का मौसम है। और देख सकते हैं लगभग 50 मीटर हमसे दूर हो चुका है हमारा ड्रोन और अभी भी इसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से फिलहाल ड्रोन दिख नहीं रहा है अच्छे से, यहाँ पर ड्रोन हमें यहाँ से दिख नहीं रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, बट अभी ये कनेक्ट हो रहा है। थोड़ा और इसे पास लेके ले जाने की कोशिश करते हैं और तो हम देखते हैं कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा आगे ले जाते हैं। ओहो हो, ये तो अच्छी लेंथ कनेक्ट कर रहा है। ओ नो 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 नो, मुझे लगता है मुझे पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी हमने सोची थी उससे ज़्यादा ये कंट्रोलिंग करा रहा है। ठीक, तो मैं यहाँ पर पीछे हो जाता हूँ जितना पीछे मैं हो सकता हूँ और ड्रोन ज़्यादा लंबाई पर चला गया है और अभी भी ये कनेक्ट है हमारे रिमोट से। तो और पीछे होते हैं, लगभग 100 मीटर ये कनेक्ट कर चुका है, हम पीछे जाता आ जाते हैं जितना हमसे हो सकता है। और ड्रोन दिख नहीं रहा है यहाँ से क्योंकि ज़्यादा दूर आ चुके हैं और ड्रोन की लेंथ हो चुकी है लगभग 120 मीटर और अब ये ड्रोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। देख सकते हैं ये थोड़ा कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, यानी कि अगर आप मोटा मोटा माने तो ये 120 मीटर तक कनेक्ट हो सकता है। ठीक, कनेक्ट नहीं हो रहा है, वहीं पर लेंथ है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, बुलाते हैं वापस जस्ट अपने पास। ठीक है, तो आई थिंक ये आ रहा है। जी हाँ, ड्रोन हमारे पास आ रहा है और स्पीड इसकी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ओहो हो, अच्छी स्पीड है इसकी और आप देख सकते हैं। और ये आ चुका है हमारे सर के पास और यहाँ से आप देखिए वहाँ पर एक कैमरामैन जी आ रहे हैं, आपको शायद कैमरे में दिख रहा होगा, लेकिन ये ड्रोन इसकी मैंने इतना भी सोचा भी नहीं था जितना ये कनेक्ट कर रहा है। लगभग 120 मीटर से ज़्यादा था तब ये कनेक्ट कर रहा है। और मैं आपको बता दूँ, अगर मान लीजिए किसी चांस से अगर आपका ये ड्रोन डिसकनेक्ट हो जाता है आपके रिमोट से, तो आप घबराइएगा मत, आपका ड्रोन गिरेगा नहीं, लेकिन जहाँ पर है ये वहीं पर लैंड कर जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ पर देखिए हमारा ड्रोन पहुँच चुका है। अब एक इसके साथ हम थोड़ा सा मजाकिया टाइप करते हैं, ये हमारा ड्रोन यहाँ पर पहुँच चुका है और हम यहाँ पर इसे कर देते हैं बंद, ठीक है। रिमोट को हम बंद कर रहे हैं, एक मिनट, पीछे भी कुछ है, इसे बीच में ले जाते हैं हम, ठीक, चला गया, थोड़ी हवा चल रही है, ठीक है, रिमोट बंद, देख सकते हैं कुछ काम नहीं करेगा, ड्रोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, रिमोट हमारा बंद हो चुका है। ओहो हो, यहाँ पर देखिए बंद होते ही रिमोट जो ड्रोन है ऑटोमेटिक इज लैंडिंग, ठीक है, देख रहे हैं ना, रिमोट हमने जैसे ही बंद किया ये ड्रोन अपने आप लैंड हो गया। देखिए कितना इसमें मतलब कि इंटेलिजेंस दिया हुआ है कि इसे बंद करने के बाद कुछ भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा है। बंद कर जैसे आपका एक कनेक्ट होगा तो डिसकनेक्ट मतलब अगर जैसे ही होगा, रिमोट बंद है या डिसकनेक्ट है दोनों का अर्थ एक ही हुआ, तो जैसे ही आपका ड्रोन डिसकनेक्ट होगा आपके रिमोट से वैसे ऑटोमेटिकली जहाँ पर है वहाँ पर लैंड हो जाएगा।